नवरात्र देवी की आराधना का पर्व। आज अष्टमी है, माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, कन्याओं की पूजा की जाती है। बदलते समय में ये पूजा एक मैसेज भी देती है कि बेटी जो है वो हमारे घर का अभिमान है, हमारा मान है। समय बदल गया है, अब बेटियाँ माता पिता के सीने को चौड़ा करने का काम करती है। और आज बीकानेर में जिस जगह मैं बैठा हूँ उस घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। माँ की आराधना हो रही है, दुर्गा अष्टमी का पर्व है, बावजूद उसके घर की बेटी ने अपने घर का मान बढ़ाया है, अपने पूर्वजों का मान बढ़ाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संघ लोक सेवा आयोग की आज जारी हुए परीक्षा परिणाम में बीकानेर की बेटी खुशी सोलंकी की, जिसने वाकई में ही अपने परिवार को खुशी दी है। खुशहाली सोलंकी जो है उन्होंने UPSC में 61 रैंक हासिल की है और अब घर की ये बेटी कहीं ना कहीं कलेक्टर के रूप में दिखाई देगी। हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको ETV भारत की ओर से बहुत बहुत बधाई। क्या मैसेज देना चाहेंगी, इतनी बड़ी खुशी है, किस तरह से दिखते हैं? थैंक यू, और मैं बहुत खुश हूँ इस अचीवमेंट के लिए। ये थर्ड अटेम्प्ट था मेरा एंड सेकेंड अटेम्प्ट में भी आई रीच टू द इंटरव्यू लेवल, बट थर्ड अटेम्प्ट में रैंक 61 अचीव हुआ था, तो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। जैसा कि आपने बताया तीसरा प्रयास था आपका, दूसरे प्रयास में भी आप इंटरव्यू तक पहुंची, तो क्या इस बार खुशी को लगा था कि खुशहाली को कि अब घर के लोगों को खुशी कहीं ना कहीं खुशी के रूप में मिलेगी? लगा तो पिछली बार भी था मुझे, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही रहा था, पर UPSC अनसर्टेन है बहुत, सो दैट्स वाई वापस से प्रिलिम्स की पढ़ाई तो चल ही रही थी, अगले अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भी भर दिया था, तो वो बस जैसा आपने बोला कृपा थी तो हो गया। पिताजी आपके इंजीनियर, माताजी आपकी इंजीनियर, बैकग्राउंड की अगर बात करें, कहीं ना कहीं आपको ये पता था कि भी गवर्नमेंट सर्विस में एक अच्छे अधिकारी के रूप में हो सकता है माहौल आपको मिला हो, लेकिन IAS का रास्ता ही चुनना है, UPSC का ही रास्ता चुनना है, ये कहाँ से आपके मन में आया? मम्मी पहले गांव जाया करती थी, तो फिर मैंने भी जाना चालू किया था, एंड अभी जाते हुए जब जाते थे तो लोगों से बात करते थे तो अच्छा लगता था। दे यूज़ टू टेल मी कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड हम सब बैठ के एक सोल्यूशन की ओर जाने की कोशिश करते थे। एक सवाल, हालांकि थोड़ा सा समय उसके लिए है क्योंकि अभी ट्रेनिंग भी होगी, अभी बहुत कुछ चीज़ें जो पॉलिशिंग भी होगी, लेकिन फिर भी अब आखिर में जाकर वही जिम्मेदारी संभालनी है, तो किस तरह से प्राथमिकताएं को लेकर या किस तरह से लगता है लोगों की समस्याएं, क्यों आज तक तो जब मम्मी के साथ गए समस्याएं देखी थी तो मन में ये भी होगा कि इनको ऐसे दूर करूंगी, तो कुछ ना कुछ वो दिमाग में अब चलने लग गया जब से रिजल्ट आया है? डेफिनेटली जहाँ भी जिस जगह पर पोस्टिंग होगी तो वहाँ पे फर्स्ट वुड बी कि मैं जाऊँ एंड देखूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या है। हर डिस्ट्रिक्ट की, हर जगह की अलग अलग होंगी, तो उसके बेसिस पर आई विल मेक माय प्लान कि आगे किस तरह से इसको सॉल्यूशन की तरफ जाना है। हम बात करते हैं खुशहाली की जो मदर है संगीता सोलंकी, जिला परिषद में आप रही हैं और काफ़ी कुछ समय तक आपने अपनी सर्विस में कई IAS अधिकारियों के साथ काम किया है, चाहे जिला परिषद के CEO की बात हो, कलेक्टर की बात हो, तो आज तक IAS अधिकारियों के साथ काम किया और अब खुद की बेटी IAS, बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरा शुरू से ही सपना रहा था जब मैं IAS के साथ काम कर रही थी कि यही इसको कहा था कि बेटा आपको तैयारी जो है इसकी सिविल सर्विसेज की करनी है, तो उसमें सक्सेस हुई और आज बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए, सभी के लिए। निश्चित रूप से मेरी बेटी मेरा अभिमान जो बात कही जाती है स्लोगन के रूप में, वो वाकई में सार्थक करके दिखाया है आज खुशहाली सोलंकी ने। और लिंगानुपात को लेकर जिस तरह से सवाल हमने जब इनसे किया तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि रैंक जो है वो अपने आप में एक मैसेज देने के लिए काफ़ी है कि बेटियां हर कदम पर कहीं ना कहीं आगे है, तो ज़रूरत इस बात की भी है और समझने की भी है कि बेटियों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे हर घर में इस तरह की खुशी जो है वो फैला सके और अपने नाम को खुशहाली के रूप में सार्थक कर सके। बीकानेर से ETV भारत के लिए अरविंद व्यास।